हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। PUCET UG एग्जाम से रिलेटेड है ये वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, सिलेबस बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है PUCET UG का। तो इसकी पर्टिकुलर कहीं पे भी कोई बुक नहीं अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है, आपने बहुत सर्च की होगी इसके रिलेटेड, पिछले पेपर्स भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं इसके। तो आज हम एक आपको ओवरव्यू लेकर आए हैं इसी के सिलेबस का। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आप एक एक पॉइंट को समझिएगा जरूर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि यूजी का पैटर्न कैसे रहने वाला है PUCET UG का। तो जैसे कि आप मोड देख सकते हैं, ऑफलाइन रहने वाला है। हर बार की तरह ये ऑफलाइन ही होगा। पिछली बार मेरिट बेस पर हुआ था इसमें एडमिशन, पर इस बार ऑफलाइन ही रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं पर्टिकुलर इस पेपर में, तो 240 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 480। दो नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है जैसे कि आपको पता है। उसके बाद ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, 70 मिनट फॉर ईच पेपर। हर एक पेपर के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे। तो मीडियम क्या रहने वाला है, मीडियम इसका सिर्फ इंग्लिश है, कोई अलग कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है इसमें, तो इंग्लिश ही रहने वाला है इसका मीडियम। तो मार्किंग स्कीम क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है, तो हाईएस्ट मार्क्स आपको मिलेंगे 2। तो उसके बाद 1/4 मार्क्स, मतलब चौथा हिस्सा काटा जाएगा अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होता है या आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं। तो जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, मल्टीपल चॉइस रहने वाले हैं क्वेश्चन। जो मल्टीपल चॉइस आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको सही वाला चूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि सब्जेक्ट वाइज कैसे रहने वाला है। तो जैसे मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होंगे और 120 नंबर का ये पेपर रहेगा। 70 मिनट्स आपको मिलेंगे ड्यूरेशन जो रहेगी। तो उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर जो आएगा, उसमें भी 60 मार्क्स का आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो 120 नंबर का टोटल ये पेपर बनेगा और 70 मिनट्स इसकी भी ड्यूरेशन रहेगी। उसके बाद फिजिक्स का पेपर जो होगा, उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 2 मार्क्स का रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन, 120 मार्क्स टोटल रहेंगे और 70 मिनट्स का ये पेपर होगा। उसके बाद बायोलॉजी में भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और 70 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी। तो जैसे कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे विजुअली हैंडीकैप पर्सन को विद डिसेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है, जो डिसेबिलिटी या जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हर एक पेपर में। तो जैसा कि अब हम सिलेबस के ऊपर आपको ये डिस्कस कर रहे थे वीडियो, तो जैसे कि ये वीडियो सिलेबस के ऊपर हमने बनाना है, तो 11th क्लास का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो 11th क्लास में आपको 40% सिलेबस जो पेपर में आएगा वो 11th क्लास में से आएगा, और 12th क्लास में से आपको 60% सिलेबस रहने वाला है। जो आप करंटली जैसे पढ़ रहे हैं 12th क्लास का सिलेबस, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि 60% सिलेबस 12th क्लास में से रहने वाला है। और 11th क्लास का सिलेबस जैसे कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग आपको कॉमन रहने वाला है, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में आपको ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चांस रहने वाला है कि आप पेपर को और अच्छी तरह कर सकें, और आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के इस पेपर में। जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो में सिलेबस को पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, तो 11th क्लास की NCERT बुक्स में से रहेगा 40% सिलेबस आपका। आपको जो 11th क्लास में पढ़ाया गया है NCERT बुक्स में, 40% सिलेबस उसी में से आएगा। उसके बाद जैसे कि आप 12th क्लास देख सकते हैं, 12th क्लास की NCERT बुक्स में से 60% सिलेबस आएगा, तो टोटल ये 100% हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है, NCERT बुक्स में लगभग सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं 11th 12th में, सारी चीज़ें गिवन हैं। तो आप अगर NCERT को थोरोली पढ़ेंगे, तो आपके पेपर में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, इसकी पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है इस पेपर को करने की, तो आपको NCERT अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो 11th क्लास की NCERT बुक्स में से जैसे आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ रहेगा, तो 2 पेपर तो आपके कॉमन रहेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में आपको ऑप्शन रहेगा कि आपके पास नॉन मेड थी या मेडिकल थी। अगर आपके पास मैथमेटिक्स भी ऑप्शनल है या बायोलॉजी भी ऑप्शनल रहेगा, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चांस है पेपर को क्लियर करने का। तो उसी प्रकार जैसे मैंने आपको 11th का बताया, उसी प्रकार 12th का रहने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी,
और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कॉमन सब्जेक्ट हैं, और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपको ऑप्शन रहने वाला है। तो उसके बाद हमने हर एक सब्जेक्ट के कुछ मेन टॉपिक्स चुने हैं जो कि पेपर में आने के बहुत ही चांसेस हैं। ये बहुत ही एनालाइज करके हमने बनाया है, एक टॉपिक्स को चुनकर बनाया है कि कौन कौन से पी यू सी ई टी में पिछले साल या उसके जो लास्ट ईयर पेपर्स थे उसमें आए गए टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि आप फिजिक्स के देख सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, द लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिसिपल्स एंड रिज बॉडी ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स एक्सेट्रा। ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स के आने वाले हैं आपके पी यू सी ई टी में। अगर आपको कोई और भी टॉपिक लगता है तो आप उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन टॉपिक हमने फुली एनालाइज करके बनाए गए हैं ये इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आएंगे सम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडियोक्स रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन एंड एक्सेट्रा। ये सभी केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे। अब हम बायोलॉजी का डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आने की संभावना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी एक्सेट्रा। ये मेन टॉपिक रहने वाले हैं बायोलॉजी के। उसके बाद मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके मैथमेटिक्स में रहने वाले हैं जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही एनालाइज करके हमने टॉपिक चुने हैं जो पिछले सालों में पेपर्स में पूछे गए हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है अगर आपको एक अच्छे मार्क्स लाने हैं पी यू सी टी यू जी में। तो जैसे कि अब आप तो पी यू सी टी यू जी 2022 की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो आपको हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर विद करेक्ट आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे एक वीडियो। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर यह वीडियो रहने वाली है, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो रहेगी, मैथमेटिक्स की अलग रहेगी, बायोलॉजी की अलग रहेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जल्दी हम इन वीडियो को भी पब्लिक कर देंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें जेबी स्टेशन, हमारा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है तो आप हमें उस पर DM भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह सकता है तो आप कमेंट करिए इस वीडियो के ऊपर। हमारा एक नया टेलीग्राम चैनल है, हम हर एक अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।